स्थानीय किसान सहकारी चीनी मिल में मंगलवार की दोपहर 2 बजे के लगभग बैगास के ढेर में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। आग लगते ही चीनी मिल परिसर में हड़कंप मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर जीएम विनीता सिंह पहुंची और मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही पलिया एसडीएम कार्तिकेय सिंह, तहसीलदार आशीष कुमार, सीओ आदित्य कुमार, थाना प्रभारी सियाराम वर्मा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। आग लगने की आधा घंटे के बाद मौके पर पलिया और निघासन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद कुछ हद तक आग पर काबू पाया। दोपहर के समय हवा काफी तेज होने के कारण आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन चीनी मिल के कर्मचारियों व फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद कुछ हद तक आग पर काबू पाया। तब तक लाखों रुपए के बैगास जलकर खाक हो गयी। में जो बैगास में आग जो लगी है, किन कारणों से लगी है, क्या टाइम? कारण तो अभी अज्ञात है। अचानक से जैसे ही देखा, स्टाफ ने जो आरबीसी पे काम कर रहा था उसने कुछ सुलगते हुए पीछे देखा, उसने इन्फॉर्म किया। जो वहाँ के कंसर्न इंजीनियर्स और चीफ इंजीनियर्स गए हैं तो उन्होंने जब देखा तो एक आखिरी वाले चक्के में लगी हुई थी। तब उन्होंने तुरंत हमें फ़ोन किया और वहाँ पे बुझवाने का प्रयास किया गया और हमने तुरंत फायर स्टेशन को, एसडीएम साहब को इन्फॉर्म किया ताकि बाहर से हेल्प आ जाए। और हवा क्योंकि बहुत तेज़ थी तो बहुत थोड़ी ही देर में वो काफ़ी व्यापक रूप से फैल गई। हालांकि अभी कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी भी हमारे फायर फाइटिंग मेजर्स काफ़ी टाइम तक चलेंगे। मैम, जैसे अभी जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, ये क्या टाइमिंग रही थी आग लगने की और लगभग कितने नुकसान हुआ है? नुकसान का तो आकलन अभी किया जाएगा। जो भी कंसर्न हमारा विभाग है वो उसका आकलन करेगा और संबंधित विभाग को प्रेषित करेगा। उसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो पलिया से आना था वो आधे पौन घंटे में हमको मिल गई थी। एसडीएम साहब का कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी रहा, बाहर से भी आ गई थी टाइमली। और हमारे अपने जो फायर फाइटिंग मेजर्स हैं, बीच में कस्बे में भी आग लगी थी तब भी हम लोगों ने भेजा था वहाँ पे, वो भी अपना इफेक्टिवली स्टार्ट हो गए थे, पर थोड़ा टाइम लगता है बुझाने। मैम, आग लगने का समय मतलब कब सूचना मिली आपको? मुझे तकरीबन 1:30 से 1:45 के बीच में सूचना मिली है। उससे 10-15 या 5-10 मिनट पहले का इशू रहा होगा, क्योंकि जो कर्मी काम कर रहा था आरबीसी चेन जो ऊपर है उसने कुछ सुलगते हुए पीछे से देखा तो उसने इन्फॉर्म किया। तब तक स्टाफ रश किया, तब तक वो जो आखिरी वाले दो चट्टे हैं जिनमें पूरे आग से वो हो गए उनमें आग पकड़ चुकी।